मौलाना और 22-23 साल की बच्ची। मौलाना बोले अब नहीं तलाक नहीं दूंगा। क्या अब बाहर घर में रोकना कानून की जरूरत नहीं, जन जागरण। अरे 75 साल से तो जागरण नहीं कर रहे, क्या 200 साल तक जागरण करते रहे? तब तक हिंदुस्तान की आबादी हो जाए। स्टेशन पर सोता हुआ साधु मिला, उसकी भी नसकार की, बोले नसबंदी करनी है। क्या सिपाही कोटा लिए घूम रहा, 12-12 साल के लड़कों की नसबंदी ठोक दी। ये जो प्रपत्र जारी किया तो मैं इस पर कांग्रेस का ऑफिशियल रिएक्शन भी देख रहा था। कांग्रेस को भी बड़ा नागवार गुजर रहा है, जबकि संविधान सभा ने इसको अगर नीति निर्देशक उसमें रखा था और कहा था कि सरकारें इस दिशा में कोशिश करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उस वक्त तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी, ज्यादा नहीं। अब कांग्रेस करिए कि यह पोलराइजेशन का गिमिक है। क्यों भाई, ये मांग तो अनंत काल से है कि एक कानून होना चाहिए। नहीं, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और उनके लिए यही कहा गया कि जब राज्य इस लायक हो जाएगा कि वो ये सब काम कर सके तो करेगा। जैसे शिक्षा देने का काम होगा, 2002 में राज्य को ये लगा कि अब हम शिक्षा दे सकते हैं, तो एक अनिवार्य शिक्षा का, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान हो गया। ऐसे तमाम प्रावधान होते रहे। डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो चीजें दी गई हैं, उनके लिए राज्य पहले व्यवस्था बनाएगा कि देश उन्हें अपनाने की स्थिति में है या नहीं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसा मैं जिक्र अभी कर रहा हूं कि ये जो अपराध का कानून है वो तो देश में पूरा एक है ही, एक देश एक कानून तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जो सिविल के मामले होते हैं, परिवार के मामले होते हैं, ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, ये हमारे समाज से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें समाज को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। अभी इस तरह का समाज हम नहीं बना पाए कि आज बाय फोर्स किसी पर हम समाज के कानून ठोक दें। तो सिविल कोड के लिए हमें पहले उस तरह का एक समाज तैयार करना होगा, सर्वसहमति तैयार करनी होगी, सब लोगों का मन बनाना होगा। उस दिशा में तो ये सरकार काम नहीं कर रही। ये सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को डर दिखा रही, डंडा दिखा रही, जिसे एक भड़काने का मुद्दा बना रही। हकीकत में होना ये चाहिए कि मुस्लिम तबके के बीच में आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, उनको तैयार करिए। वन लाइनर ये, आप कांग्रेस का जन जागरण करो। वन लाइनर है, कांग्रेस का जन जागरण करो, कानून मतलब, मैं समझ गया। जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको तो आपको पहले तैयार करना। ठीक है दरबारी जी, लेकिन दो बातें मैं कहूंगा। इसका फैसला कौन करेगा कि राज्य लायक हो गया कि नहीं हो गया? सरकार ही करेगी कि गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू सब बताएंगे कि राज्य लायक नहीं हुआ? बोले अभी नहीं, अभी रुक जाओ, ए राज्य रुक जाओ, गुड्डू अभी करे, अभी हम तैयार नहीं है। ये तो नहीं हो सकता देश में। और ये इंदिरा जी जैसा भी नहीं हो रहा कि स्टेशन पर सोता हुआ साधु मिला, उसकी भी नसकार दी, बोले नसबंदी करनी है। क्या सिपाही कोटा लिए घूम रहा, 12-12 साल के लड़कों की नसबंदी ठोक दी, उसके बाद सरकार चली गई उसी नसबंदी में। लेकिन करतो थी तब राज्य के नीति नियामक निर्देशक शब्द बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्र जागरण, देश जागरण, जन जागरण, सहमति की जरूरत नहीं महसूस हुई? बोले कैंची दे दो सबके हाथ में। क्या बोले आज ही भारत की जनसंख्या स्थिर कर देंगे, कौन माइकल आलन? तभी कांग्रेस को नहीं समझ में आई बात। ये बात कौन तय करेगा? अभी जनसंख्या पर चर्चा हो, मान लीजिए आचार्य जा रहा हूं, यही प्रश्न है। अभी जनसंख्या पर मान लीजिए चर्चा करें ना, तब भी मैं कांग्रेस से, मतीन खान साहब से यही सुनूंगा, इनके पक्ष से, अग्निहोत्री जी कानून की जरूरत नहीं, जन जागरण होना चाहिए। अरे 75 साल से तो जागरण नहीं कर रहे, क्या 200 साल तक जागरण करते रहे? तब तक हिंदुस्तान की आबादी हो जाए 500 करोड़। अच्छा जागरण ना भैया, अब जागरण नहीं हो सकता ना, कानून होना चाहिए, दंड का विधान होना चाहिए, यह देश चाहता है। हमारे लोक जीवन में इस बात से कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं, हिंदू मुसलमान के सबके लिए। लड़का 20 साल का हो जाए, हम कहें भाई कुछ करो, वो कहे अभी तैयार नहीं, चलो मान लेंगे। फिर 22 में पूछेंगे, फिर 24 में पूछेंगे, 24 में भी कहेगा अभी मैं तैयार नहीं, तो हम कान पकड़ कहेंगे बाहर निकलो, तुम जिंदगी में कभी तैयार नहीं हो पाओगे भाई साहब ना, इस लायक ही नहीं हो, बाहर जाओ, यहां पड़े पड़े गुलगुला खाओगे, चलो बाहर, मनरेगा में नौकरी मजदूरी करो, तब तुमको श्रम का महत्व पता लगेगा। ये वो देश है, इसलिए ऐसे अकर्मण्य सरकारों का कोई रोल नहीं हो सकता जो ये कहे हमने आपको चुन के भेजा, और आप कहो कि हम मारे अभी अभी अंगड़ाई टूटी नहीं, जमुआई आ रही है। बोले कब तक टूटेगी? बोले 2050-60 में बात करना, ये नहीं चलेगा। 5 साल के लिए चुन के भेजते, 5 साल का एजेंडा देते देश, उसी पर आपको अमल करना चाहिए, कोई सरकार रहे, प्रधानमंत्री मोदी हो और चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं हो। अनंत काल के लिए पट्टा थोड़े ना लिख दिया, पार्किंग का ठेका है क्या? बोले क्या कर रहे हैं? बोले अभी तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई कब तक तैयारी करोगे? एटा एटा चले जाओ, लड़का कुछ नहीं कर पा रहा त्रिपाठी जी ना, उसे पूछो भाई क्या कर रहा है भैया, बोले आईएएस की तैयारी कर रहे। अरे भाई साहब नगर पालिका में टेस्ट दे लेते तो कम से कम नौकरी तो करते, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं, माफ करिए। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोई रायशुमारी की थी नहीं, एक रात को मनाया कर दिया,
सुबह नहीं सबको पता लगा, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, त्रिपाठी जी को तो पता ही है किस्सा, ठीक। इमरजेंसी लगाई, फखरुद्दीन अली अहमद तक से नहीं पूछा, उनसे जवरिया दस्तखत कराने भेज दिया, बोले दस्तखत करो, वो सो रहे थे, बोला पानी मारो आंखों पे और तुरंत दस्तखत करो राष्ट्रपति। क्या रायशुमारी की थी? नहीं। नसबंदी का कार्यक्रम चलाया, रायशुमारी की थी कि नसबंदी करें कि नहीं करें, देश तैयार है कि नहीं? नहीं। तो सरकार ही तय करेगी, संसद ही तय करेगी, इस सत्य को स्वीकार कर लिए। मतीन साहब, एक तो आपने दिल्ली के एक जज की बात कही थी हाईकोर्ट के, वो उसका मैंने वो किया, उस पर कौशल जी ने और प्रामाणिक जानकारी दे दी, शाहवानों केस से लेके आज तक 5 बार देश की सबसे बड़ी अदालत कह चुकी, ठीक, इसलिए अब वो बात तो खत्म हो जाती। मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं, आपने कहा कि भाई मुसलमान का जो मसला है और माइनॉरिटीज का जो मसला है, इसलिए ये चीज नहीं थोपी जा सकती। ओबीसी कह रहे हैं बगावत कर देगा मुसलमान, सड़कों पे उतर आएगा। गोवा में कोई गृह युद्ध हुआ ऐसी खबर आई कभी? वहां हमेशा से लागू है क्या? जब भाजपा नहीं थी तब से लागू है, ठीक। कभी आपने सुना गोवा में दंगे हो गए इस बात को लेके? कभी सुना गोवा में मुसलमान तकलीफ में है, ईसाई तकलीफ में है, कि हिंदू तकलीफ में है, कि आदिवासी तकलीफ में है? नहीं ना, वहां का हर आदमी बरमूडा पहन रहा, समुद्र में नहा रहा, आनंद ले रहा, नहीं? मदीन खान साहब जी, फिर क्या समस्या है? नहीं, आप जो कह रहे हैं, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने बगावत का बात कही, बगावत कहां भाई, सरकार की नीतियों का विरोध तो हर कोई कर सकता है। अरे भाई, मैंने बोला प्रामाणिकता, उन्होंने ओवैसी का शब्द है बगावत करेंगे, समझिए ना आप, विरोध सब कर सकते हैं, बगावत कोई नहीं कर सकता। नहीं सकते क्या जी? सरकार की नीतियों का विरोध कर, कॉमन सिविल कोड का क्या रूपरेखा है? सरकार की नीति नहीं, संविधान का विरोध होगा भाई? कैसे निकाल की जाएगी, संविधान जारी की जाएगी, कैसे रियासत दी जाएगी, ये भी तो सरकार की नीति नहीं है। पहले बात करो, संविधान है, संविधान के अंदर इस बात को लिखा गया है, मुल्क के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, संविधान का विरोध करेंगे क्या? अरे मतीन साहब, एक बात बताओ, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं वो पास शादी कर रहे हैं? हाँ, अब ये बताइए, वो पास शादी कर रहे हैं क्या? या वहां के थाने में नहीं जाते, बोले ना, या वहां अपना कोई अलग से सिविल कानून चलाते हैं? नहीं ना, वहां तो मौलाना साहब कोई कानून नहीं, मतीन भाई कोई कानून नहीं जानता आपका। 17 संविधान है, 50 स्टेट है, 50 संविधान है अमेरिका में, मालूम है आपको? मैंने आपसे जो सवाल प्रश्न पूछा वो बताइए, वहां 5 शादी करके आप शरीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी में कानून लागू करा सकते हैं? 50 संविधान है, 50 राज्य है। आप बात नहीं समझे, लंदन में, ब्रिटेन में आप अपनी शरीयत के हिसाब से सिविल कानून लागू करा सकते हो, हाँ या ना? उत्तर दो, हम अभी प्रमाण चाहिए। यहाँ पे कोई एक रूपरेखा होगी नहीं होगी? कॉमन सिविल कोड का कोई आज तक के कोई प्रारूप दिया गया है? किस बिहा पर मांगा जा रहा है कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड, ठीक है, आपका अध्ययन नहीं, ठीक है, मतलब दिक्कत ये है, दिक्कत ये, एक मिनट चलूंगा, दिक्कत ये है, हम लोगों ने ये मान लिया कि अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, राजेंद्र बाबू, यही लोग बस पढ़ने लिखने के लिए थे, पढ़ लिख लिया, अब हम क्या पढ़ के करेंगे? क्या ABCD नहीं पता, दाएं बाएं कुछ नहीं पता, और जब से टीवी डिबेट का काम शुरू हो गया तब से तो फिर हर आदमी बोली रहा है धारा प्रवाह, कोई रुकी थोड़ी रहा, ABCD नहीं पता। मतीन भाई ने कहा कि भाई किस बात पर आप प्रस्ताव दें, 2018 में नोटिफिकेशन पड़ा है, उसमें पूरा पत्र, पूरा प्रस्ताव पड़ा हुआ है भाई, जाके पढ़ोगे तब ना समझ पाओगे। अब उसके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि बरेली में अलग से पर्चा छप के आएगा? गजब करते हो यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब लिए उपलब्ध है वहां, क्यों नहीं पढ़ते हो? यही मेरी नाराजगी है। रूपरेखा ले रखी है कि कहां भी है नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं बात, डॉक्टर साहब साहब पढ़े नहीं, आपने सोचा मुस्लिम लीग की अध्यक्षी करने में पढ़ने का क्या काम, चल ले दो, ये काम ठीक नहीं, पढ़ो। अब आप, हम अमेरिका में रहे, अगर मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं या बौद्ध हूं या नव बौद्ध हूं, सिख हूं, कुछ भी हूं, हम वहां जाकर अपना सिविल कानून नहीं चला सकते? नो, क्या तुरंत डिपोर्ट कर देंगे, कान के नीचे 2 मारेंगे, डिपोर्ट कर देंगे क्या, और फिर जिंदगी में कभी आने नहीं देंगे, उस पर मोहर ऐसी लगा देंगे वीजा पे, पासपोर्ट पे। वहां क्रांति क्यों नहीं होती? वहां क्यों नहीं होता? ब्रिटेन डाउन डाउन, अमेरिका डाउन डाउन, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ऐसा नारा बाम मैंने नहीं सुना, जो है चुप पे पड़ा है, कर भैया रोजी रोटी चल रही, ज्यादा झंझट नहीं करना, यहां झंझट भारत में करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किस्सा छपा त्रिपाठी जी, आप तो अखबार ध्यान से पढ़ते हो, उसमें लिखा कि एक आदमी ने अपनी बीबी का हलाला कराया मौलाना से, मौलाना थे बुजुर्ग और लड़की थी
कम उम्र की, ठीक। और ये तय हुआ कि भाई तीन दिन में आप निकाह कैंसिल कर दोगे हलाल के बाद, और फिर हम इसको ले जाएंगे, फिर दोबारा शादी हो जाएगी, वो व्यवस्था में आ जाएगी चीजें। मौलाना साहब का मन डोल गया, उनने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा, लो कर लो बात। आप समझ रहे थे बाड़ी जी कितनी गंभीर बात है, ये पार्लियामेंट और सबसे बड़ी बात चिंता की बात ये है। बेसिक बात समझने की कोशिश, अब वो मौलाना बोले 70 साल के मौलाना और 22-23 साल की बच्ची, मौलाना बोले अब नहीं तलाक नहीं दूंगा, क्या अब बार घर में रो।